हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर डिजी क्लासेस ऑफ क्राइस्टचर्च कॉन्वेंट स्कूल गाटरवारा। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11, सब्जेक्ट इज मैथ्स, चैप्टर नंबर इज 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड स्पेशल सीरीज। टुडेज अवर टॉपिक इज सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसके पहले वाली क्लास में बेटा हमने देखा था सम ऑफ सीरीज। ओके, तो सम ऑफ सीरीज के लिए हमने दो कंडीशंस देखी थी कि जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और r की वैल्यू लेस देन 1 है तो वहाँ पर उन्हें कैसे यूज़ करना है। लेकिन जब भी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आएगा तब एक ही फार्मूला आपको यूज़ करना है। यहाँ पर दो फार्मूले नहीं हैं और वो एक फार्मूला है s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया है बेसिक जो आपको ही करना है, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा बताया आपको। देखिए कैसा आएगा, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू इन्फिनिटी। आपको मालूम है कि ए की वैल्यू 1/3 है। आर कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। आपको आर की वैल्यू मिल गई -1/3। ये फॉर्मूला आपके पास है, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करिए, दोनों को सिंप्लीफाई करिए। सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, जो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पर लिया है। तो क्वेश्चन किस टाइप से है, प्रूव दैट एन टू द पावर 1/3 इंटू एन टू द पावर 1/9 इंटू एन टू द पावर 1/27 इज इक्वल्स टू अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 3। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन टर्म्स को सॉल्व करना है और आपको 3 लेकर के आना है। तो ये कैसे होगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले पावर्स का सम कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, इस फॉर्म में लिख लिया है। फिर मैंने क्या किया, इन्फिनिटी तक सम फाइंड करना था, तो मैंने यही फार्मूला अप्लाई किया है। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1/3 है। आर की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो ये आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की, दोनों को सॉल्व किया तो 1/2 आया है। तो क्या मुझे ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ नहीं करना है, मुझे 3 प्रूफ करना था। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस अप टू इन्फिनिटी 9 टू द पावर। इस पूरी टर्म को मैंने सॉल्व किया है, इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई है 1/2, तो ये पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो 1/2, क्या इस 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 3। ये देखिए ये 3 वैल्यू हमको मिल गई, ये हमारा RHS है और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड रहेंगे। मैंने आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया, और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा किन किन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।